एक जागरूक नागरिक होने के कारण मेरे द्वारा आज जो विश्व के पटल पे आज ऐतिहासिक झील भी कहा जाता है आना सागर, जो दरगाह होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसमें जिस तरीके से और जिस स्पीड से जलकुंभी का फैलाव हो रहा है उसको लेकर मेरे द्वारा आज एक जनहित याचिका स्थायी लोक अदालत में लगाई गई। मेरा इसमें यही कहना है कि जिस प्रकार से जलकुंभी को निकाला जा रहा है उसके बावजूद भी इसका तेजी से बढ़ना एक प्रश्नात्मक लगाता है कि ये क्यों बढ़ रही है। इतना पैसा लगाने के बाद भी जलकुंभी खत्म नहीं हो रही है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्नात्मक है। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि आज से 2.5 साल पहले इसमें आना सागर को साफ सफाई करने के लिए जो मशीन को मंगाया गया था उसके बाद ही जलकुंभी का विस्तार होना, ये भी एक जांच का विषय है। तीसरी बात, जो आज जितनी निकाली जा रही है उससे तेज स्पीड से हो रही है, ये एक सबसे बड़ा दुखदायी कारण है। कि और सबसे बड़ी बात है, जिसका निस्तारण आप कर रहे हो उसका क्या प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जहां पर इसको निस्तारण करने के लिए फेंक रहे हो कहीं वो नाले या किसी और जगह तो नहीं है जिससे कि बरसात में वो किसी और तालाब में जाए। और अभी तो बरसात आने वाली है, अगर इसकी प्रॉपर सफाई नहीं हुई तो इस आना सागर से बाहर बह के और शायद हो सकता है कि जो कैचमेंट एरिया के अंदर खानपुरा का तालाब, डुमाड़ा का तालाब, भावता का तालाब, पिसांगन गोविंदगढ़ होती हुई ये लूनी जाती है, लूनी से फिर ये चंबल से जाके और आगे और कहीं जाती है, तो इससे होते होते शायद बहुत बदतर स्थिति हो जाएगी। जिस प्रकार से बंगाल में और यूपी में आज तालाबों की हो रखी है वहां जलकुंभी का बहुत ज्यादा भराव है और आने वाले समय के अंदर इसमें जलीय जीव को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली तो वो मरेंगे, तो आसपास के एरिया जो बहुत बड़ी कॉलोनी है उसके अंदर भी महामारी होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए हमारा प्रशासन से जो जिस तरीके से संवेदनशील नहीं है और राज्य सरकार जिस तरीके से संवेदनशील नहीं है उसको सिर्फ ये चेताने के लिए ही ये जनहित याचिका लगाई है कि इसकी जल्दी से जल्दी सफाई कराई जाए जिससे आने वाले बरसात के समय आगे ये फैलाव नहीं हो। और जो जिस प्रकार से अभी आने वाले समय में मौसम विभाग ने गर्मी का कहा है उससे अगर जलीय जीव और पानी की कमी होने से शायद हो सकता है कि स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ेगा और वायरस फैलने के चांस रहेंगे। योगेंद्र ओझा।